एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। फलकतन की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं राहु केतु और अंतरजातीय विवाह के बारे में। तो उसी फलकतन की सीरीज में आज हम राहु केतु का संबंध जब सप्तम भाव के सौम्य से होता है तो किस तरह से वो अंतरजातीय विवाह के योग बना देता है, उसकी एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने राहु केतु का प्रभाव लग्न पे बताया, फिर राहु केतु का प्रभाव नवम भाव पे बताया, वही राहु केतु का प्रभाव अभी हम सप्तम भाव से कर रहे हैं। तो जब भी राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव और सप्तम भाव के सौम्य पे बनेगा तो ये दिखाता है कि इसका अंतरजातीय विवाह होने के योग बन जाता है। तो ये सूत्र ये बोलता है कि जब भी हम सप्तम भाव जो हमारा वैवाहिक जीवन का है और राहु केतु जो है वो परंपरा से हट के बात करते हैं तो राहु केतु का संबंध जो विवाह वाले भाव के भाव और उसके स्वामी जो चंद्रमा है उससे यहाँ देख सकते हैं आप इस मकर लग्न की कुंडली में। जो सूत्र हम बता रहे हैं कि किस तरह से राहु केतु का सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को जब प्रभावित करेगा तो वो अंतरजातीय विवाह के योग बनाएगा, तो उसी को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मकर लग्न के जो जातक हैं उनके सप्तम भाव में चार नंबर की जो राशि बनती है कर्क राशि, उसका स्वामी चंद्रमा है। तो राहु की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आ रहे हैं और सप्तम भाव का स्वामी जो कि पंचम भाव में बैठा है वो राहु की सातवीं दृष्टि में आ रहा है। तो यहाँ राहु केतु के एक्सेस पे जो देख सकते हैं कि सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को जो है राहु केतु राहु की दृष्टि में आ जाने से राहु का कार्य अंतरजातीय लीक से हटकर विवाह कराने का जो कार्य करता है वो करेगा यहाँ पे। तो ये लिख से हट का दूसरे धर्म में विवाह कराने का योग बना दिया क्योंकि इसने सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को प्रभावित किया था। आप जो भी लग्न के जातक और जातिका हैं, अगर आपके सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी राहु केतु के प्रभाव में आ रहे हैं आपका अंतरजातीय विवाह का योग बन जाता है, उसको हमने इस कुंडली के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया। हम जब भी कुंडली की कोई बात करते हैं तो उस कुंडली में जो बता रहे हैं उसी को आप देखिए, बाकी जो ग्रहों की दृष्टि है बैठे हैं उनको मत देखिए, जो सिस्टम है जो सूत्र है उसी पर ध्यान दीजिए। तो उसी श्रृंखला में सप्तम भाव सप्तम भाव के स्वामी को जब राहु ने प्रभावित करेगा तो वो अंतरजातीय विवाह का योग बनाएगा। तो ये बहुत ही सरल सा सूत्र था कि किस तरह से राहु केतु का संबंध सप्तम भाव सप्तम भाव के स्वामी से बनता है तो वो आपका अंतरजातीय विवाह कराता है। तो ये राहु केतु की श्रृंखला में हमने ये तीसरा वीडियो बनाया जो अंतरजातीय विवाह को दर्शाता है। तो इसी को आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल है एस्ट्रा सिंप्लीफाइड, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, आप अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और चैनल अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपने हमारा वीडियो देखा, चैनल सब्सक्राइब किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।